वहीं बहराइच जिला में 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए, और भी आरोपियों की तलाश अभी लगातार जारी है। एनकाउंटर में कल दिन 2 आरोपी ढेर हुए। और आपको खबर बता दें हिंसा को लेकर के, जहां हिंसा में अब साफ तौर पर यहां पर आरोपियों पर लगेगा रासुका। बहराइच हिंसा को लेकर के यहां पर देखिए जिस तरीके से एक्शन लिया गया, एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर बहराइच एनकाउंटर पर यहां पर तस्वीरें सामने आई। वहीं बहराइच एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, कहा सरकार की नाकामी से यहां पर ऐसी घटनाएं हो रही है, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। हरियाणा में कैबिनेट की पहली बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। कैबिनेट की बैठक होगी सुबह 11 बजे, सचिवालय में बैठक होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार का एक्शन तेज, आज सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी लेंगे बड़ी बैठक। आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले गिरिराज हिंदुओं को जागरूक करने के लिए 22 अक्टूबर तक करूंगा यात्रा। तेलंगाना के मेडक में दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी कार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। गुजरात के भावनगर में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के डिबालुंग स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटना, अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन में केमिकल गोदाम में लगी आग, दमकल की 23 से 24 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कूलिंग का काम जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर से जुड़ी खबर, आरोपी कुलदीप साहू एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी भेजे गए जेल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग भारत में। सबसे पहले बात करेंगे उन 6 तस्वीरों की, 6 अहम खबरों की जिनसे शुरुआत करेंगे और ये बताएंगे कि पूरे दिन इन खबरों पर नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे थूक जिहाद की, और वही बहराइच के दंगाइयों पर एनएसए लगा है, यानी कि रासुका के तहत अब कार्रवाई होगी। और वही उत्तराखंड यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रुख साफ है यूसीसी को लेकर के, सैनिक कैबिनेट की पहली बैठक और महाराष्ट्र में इलेक्शन पर टेंशन। और इस बीच एक बड़ी खबर, आईडीएफ ने अमास चीफ यहां शनिवार को किया ढेर, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर। देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, गाजा में मारा गया यहां शनिवार, और आपको बता दें कि साफ तौर पर यहाँ पर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही, जिस तरीके से तनातनी लगातार बनी हुई है डीएनए रिपोर्ट से हुई है पहचान, सिनवार के रूप में पहचान हुई है डीएनए रिपोर्ट में, और सिर पर और पैर में कई गोलियां लगी है, इस बात की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यह पुष्टि हो गई है, आईडीएफ ने हमास चीफ को ढेर कर दिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, यहां पर देखिए ढेर कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, गाजा में मारा गया है सिनवार। तो लगातार युद्ध के माहौल में देखिए तनाव का इस समय माहौल बना हुआ है, लेकिन इसराइल कहा जा रहा है कि जो भी लोग बंधक हैं अब उनके लिए सौदा करेगा, इसराइल उनके लिए सौदा करेगा। बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध के मैदान में लगातार अभी भी तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन जिन लोगों को युद्ध के मैदान में बंधक बनाया गया, कैसे उनकी रिहाई हो, कैसे उन्हें छुड़ाया जाए, इस पर विचार अब किया जा रहा है। सिनवार के शव के बदले हमास के साथ डील पर विचार किया जा रहा है, शव देखकर बंधकों को रिहा किया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें हमास के, इसराइल के, यहां पर अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं जैसा आपने शुरुआती दौर में देखा था, कई लोगों की जाने चली गई, कई बेगुनाह इस युद्ध में मारे गए, और अभी भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका पूरे विश्व भर में प्रभाव दिखाई दे रहा है इस युद्ध का। अब ईरान पर आक्रमण करेंगे, हालांकि देखिए यह सवाल है, लेकिन समय समय पर ईरान पर, इसराइल पर एक दूसरे देश लगातार हमला कर अपनी ताकत का अंदाजा दिखा रहे हैं कि हां हम भी हमले का जवाब दे सकते हैं। इसराइल लगातार वार कर रहा है अपने दुश्मन देशों पर, शव देखकर बंधकों को यहां पर रिहा किया जाएगा। तो देखिए सिनवार के शव के बदले हमास के साथ डील पर विचार किया जा रहा है, इसराइल लगातार हमले कर रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर बरामदगी को लेकर के। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सिनवार को लेकर के जानकारी मिली, सिनवार को ढेर कर दिया गया और इस बीच हमास चीफ सिनवार के पास से कई सामान बरामद हुए हैं। तो मारा गया है हमास का चीफ और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर यह भी पुष्टि हुई है, कई सामान की बरामदगी भी यहाँ पर हुई है। मारा गया हमास चीफ सिनवार और ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे दे, राइफल, मैगजीन, पासपोर्ट भी यहां पर जब्त किया गया है सिनवार के पास से। तो देखिए लगातार जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही थी, नकदी, माउथ फ्रेशनर, आईडी कार्ड्स भी मिले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे यहां पर, इज़राइल का वार दुश्मन लाचार इस वक्त नजर आ रखे हैं। सिगरेट, लाइटर, इसके अलावा घड़ी भी बरामद की गई है। तो ये तमाम चीजों की बरामदगी हुई है हमास चीफ सिनवार के पास से। तो देखिए लगातार इज़राइल जो है वो अलग से कड़ा रुख अपना रखा है और साफ तौर पर यहां पर देखिए जिस तरीके से सिनवार के मारे जाने की खबर है। चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सिनवार के मारे जाने पर जो बाइडेन का बयान सामने आया है, जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि सिनवार वही था जिसने इज़राइल पर हमला किया था। नेतन्याहू का बयान भी सामने आया कि हमने तो हिसाब चुकता कर दिया, इज़राइल पर हमले के मास्टरमाइंड सिनवार की मौत हो गई। बाइडेन का बयान सामने आया, सिनवार की मौत दुनिया के लिए अच्छा दिन। बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई, नेतन्याहू को इस ऑपरेशन के लिए बधाई। बाइडेन ने यह भी कहा सिनवार ने कई लोगों की हत्या की। बाइडेन ने इसका भी जिक्र किया, आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब मास्टरमाइंड हमास चीफ सिनवार जिसने हमला किया था वो मारा गया। इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और विदेश मंत्री ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि भी की है। वीडियो मैसेज में इस बात का जिक्र किया कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन ये जंग अभी जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि बेशक सिनवार की मौत हो गई हो, लेकिन ये जंग अभी थमने वाली नहीं है, ये जंग अभी जारी रहेगी। बेशक सिनवार की मौत हो गई, बाइडेन ने हालांकि बधाई भी दी है नेतन्याहू को, क्योंकि कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाला सिनवार जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लगातार इसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं। तो 3 महीने में 3 बड़े दुश्मनों को इजराइल ने देखी ढेर किया है। एक और बड़ी बात बता दें इसी खबर से जो जुड़ी है, यहां पर इजराइल की पुलिस ने वीडियो भी जारी किया है। इजराइल की पुलिस ने वीडियो जारी किया जिस तरह से सिनवार की मौत हुई है, फॉरेंसिक लैब में रखा गया है सिनवार के शव को। अब इस पर जांच अब हो जाएगी, क्योंकि गाजा में भी आईडीएफ ने इस तरह से सिनवार को ढेर किया। इजराइल की पुलिस ने वीडियो जारी किया, वीडियो जारी करके बताया, सोशल मीडिया पर कई तरह के फोटो भी वायरल हुए, उसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया कि हाँ सिनवार की मौत हो गई है। ये देखिए हलचल किस तरह से रही, फॉरेंसिक लैब से पुलिस यहां पर ले जाती, देखिए शव को फॉरेंसिक लैब में रखा गया, आगे इस पर अब जांच की जाएगी, लेकिन सिनवार की मौत का इंतजार था। इजराइल और हमास की जंग की वजह से 7 अक्टूबर का हमला भला कौन भूल सकता है, जब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए और दोनों के बीच अभी भी जंग लगातार जारी है। और यहां पर देखिए सिनवार की मौत के बाद पेंटागन का भी बयान सामने आया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए पेंटागन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी जानकारी यहां पर कहा गया है सिनवार की मौत को लेकर के पेंटागन द्वारा, जहां पर देखिए कहा गया कि यहां पर जो अमेरिका की तरफ से ये जारी किया गया इजरायली ऑपरेशन में कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका ने ये रुख साफ कर दिया है। इसके अलावा सिनवार को ढेर करना इजरायली ऑपरेशन, पेंटागन की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा अमेरिका ने यह रुख साफ रखा है सिनवार की मौत के बाद, पेंटागन का ये बयान सामने आया जो कि अपने आप में कड़े मायने रखता है। और यहां पर पेंटागन का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ये रुख साफ रखा है कि ये इजरायली ऑपरेशन था, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है इजरायली ऑपरेशन, ये स्पष्ट तौर पर है। इजरायली ऑपरेशन का जिक्र भी किया और सिनवार ढेर हुआ है इसको लेकर के पेंटागन की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, यानी कि सिनवार के अंत पर यहां पर अमेरिका ने अपना रुख साफ रखा है मौत के बाद। अब देखिए पेंटागन का यह बयान सामने आया सिनवार की मौत के बाद। वहीं इजराइल ने 3 महीने में अपने 3 बड़े दुश्मनों को ढेर कर दिया।
7 अक्टूबर का दिन जब इसराइल के अंदर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हमास ने इसराइल में 7 अक्टूबर को जो रक्तपात मचाया था, नेतन्याहू ने एक के बाद एक हमास के टॉप लीडर को मार गिराया, बदला लिया। पहले मोहम्मद दाइफ, फिर इस्माइल हानिये और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ के बाद हमास के हानिये की जगह के लिए सिनवार को ढेर कर दिया। कैसे आईडीएफ ने ऑपरेशन सिनवार को अंजाम दिया और कैसे उसको मौत के घाट उतारा गया, रिपोर्ट आप देखिए। सिनवार का अंत युद्ध विराम या रण प्रचंड? नेतन्याहू के हौसले बुलंद, हमास हो गया खत्म। 3 महीने 3 बड़े दुश्मनों का दी एंड। जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल को दहलाया, नरसंहार कर रक्तपात मचाया, बेगुनाहों को बंधक बनाया, उस खान यूनिस के कसाई और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया। गाजा में इसराइल ने हमास के चीफ यहया सिनवार की कब्र खोद डाली। सिनवार की हत्या के साथ ही हमास के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। सिनवार की मौत के घाट उतारने से पहले इजरायली सेना को नहीं पता था कि वो जिसे मार रहे हैं वो हमास का नया चीफ है। एक खंडहर मकान के अंदर ड्रोन कैमरा भेजा गया तो इमारत के अंदर मिलिट्री ड्रेस में सोफे पर याया सिनवार बैठा दिखा। ड्रोन पास जाता उससे पहले ही उसने डंडे से उस पर वार कर दिया। इसराइल के सैनिकों ने फिर टारगेट सेट कर खान यूनिस के कसाई पर अटैक कर दिया। गाजा की जिस इमारत को ढाल बनाकर सिनवार छिपा बैठा था, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल से अटैक किया जिससे वो मलबे में दब गया। इजरायली सैनिक उसके पास गए, गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसने उसके सिर और पैर को छलनी कर दिया। मुंह पर से नकाब हटा तो सिनवार का चेहरा सामने आया। आईडीएफ ने साल भर के अंदर हमास के सभी बड़े लीडर और कमांडर का सफाया कर दिया। इसराइल ने अपने डीएनए। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।